नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। टोहाना में मनरेगा मजदूरों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में मनरेगा अधिकार दिवस टोहाना के हिसार रोड पर स्थित पक्का किसान मोर्चा पर मनाया गया। इस मौके पर भारी संख्या में मनरेगा से जुड़े हुए महिला और पुरुष मजदूरी करते हुए वह अपनी मांगों के समर्थन में उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। इसके बारे में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच के नेताओं ने बताया कि मनरेगा मजदूरों का अधिकार है, जिसके अनुसार मजदूरों को वर्ष में 100 दिनों का रोजगार अवश्य मिलना चाहिए, मगर इस मामले में जो भी अनियमितताएं बरताई जा रही हैं उसी के विरोध में उनके द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मौके पर इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए अन्य स्थानों पर भी किसान मजदूर नेता पहुंचे हैं। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति भी देखी गई। पल पल टोहाना से सुशील सिंगला की खास रिपोर्ट। ऐसे नहीं है कि घंटे आधे घंटे में उठ के चले जाएंगे, पूर्ण रूप से पूरी तैयारी करके आ जाए हम इनको, क्योंकि मजदूर एक इतना परेशान हो रहा है, उसको काम नहीं दिया जा रहा, पेट कहाँ से भरेगा वो, उसको काम नहीं मिलेगा तो बच्चों को रोटी कहाँ से लेकर आएगा। मजदूर का तो पसीना सूखने से पहले उसको उसकी दिहाड़ी मिलनी चाहिए। जगह जगह देख रहे हैं हम, उन्होंने जो काम किया है उनके मजदूरी भी नहीं दी जा रही। अभी हरियाणा में आपका ये संघर्ष कहाँ कहाँ चल रहा है? हमारा संघर्ष तो प्रदेश स्तर पे है और किसान और मजदूर को आप देखिए, एक साल हो गया हमने किसान और मजदूर मिलकर के तीनों कृषि कानून के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहा है, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ है, लेकिन सरकार के कान पर जो तक नहीं रेंग रही। सरकार बार बार कोशिश करती है इनको बदनाम करने की, कहीं इनको उग्रवादी बताती है, कहीं खालिस्तानी बताती है। अरे जिस किसान और मजदूर ने इस देश को आज़ाद कराया, आज उसको राष्ट्रद्रोही राष्ट्र विरोधी बताया जा रहा है। काम तो देते नहीं, दूसरे सवाल करते हैं, मंदिर बना दो। अरे मंदिर ले जाओ, कहीं और मूर्तियां बना देते हैं। 3,000 करोड़ की मूर्ति बना दी, कहीं मोदी जी अपने दो जहाज खरीद लिए, 8,500 करोड़ के 17,000 करोड़ के दो जहाज खरीद लिए। ऐसो आराम के लिए पैसा आ जाता है, मजदूर को काम देने के लिए पैसा नहीं आता। और एयर इंडिया बेची जा रही है, एयर इंडिया 18,000 करोड़ में बेच दी। और दूसरे आप चीज़ देखिए, रेलवे बेच दिया, सड़कें बेचने लग रहे हैं, BPCL बेच दी, कोई कंपनी छोड़ी है, सारे पोर्ट बेच दिए इन्होंने, देश को गुलाम करने की तरफ लेके जा रहे हैं लोग। मजदूरों के कमेरा वर्ग के किसान के समर्थन में बहुजन समाज पार्टी का समर्थन लेके आए हैं। और जो बहुजन समाज है, जो कमेरा वर्ग है, कमेरे वर्ग की लड़ाई इनके हकों के लिए, इनके अधिकारों के लिए, चाहे किसी तरीके की समस्याएं हैं, हम इनके संघर्ष में हर तरीके से साथ देने के लिए आए।